Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. If you're new here, I am Moon. I make video all about the fashion, beauty and lifestyle. So friends, I hope all are doing great in your life. Today I am going to share with you my saree collection. Yes, ये मेरा पार्ट टू होने वाला है. मैं पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ. मैंने बहुत टाइम से अपना साड़ी का सेकंड पार्ट शेयर नहीं किया था, सो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ में मेरा साड़ी का कलेक्शन शेयर करती हूँ. साड़ी का नाम सुनते से हम गर्ल्स के फेस पे कितनी स्माइल आ जाती है, क्योंकि हम साड़ी बात ही कुछ ऐसी है. इस आउटफिट में हम लोग साड़ी पहनना कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो. हम कहीं वेडिंग में या फिर कहीं फंक्शन में जाते हैं तो हमें मोस्टली गर्ल्स इसी आउटफिट में मिलती है, क्योंकि साड़ी के साथ हमारा जो लुक है, हमारी पर्सनैलिटी है, कितनी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है. पूरा हमारा लुक ही चेंज हो जाता है एक साड़ी के साथ में. सो पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है साड़ी का कलेक्शन रखना और साड़ी पहनना भी. मैं आज आप लोगों के साथ में मेरी कुछ साड़ी शेयर करने वाली हूँ, जो कुछ मेरी वेडिंग की है और कुछ अभी रिसेंटली परचेस की हुई. सबसे फर्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरी ये वाली साड़ी है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अपनी साड़ियों को इस तरह से एक पॉली बैग में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, ताकि मेरी साड़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, बहुत अच्छे से मैं लॉन्ग टाइम तक उनको स्टाइल कर सकूं. और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने साड़ी के साथ में अपना पेटीकोट और ब्लाउज़ भी इसी के साथ रखती हूं, ताकि जब भी मुझे स्टाइल करनी रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आए और मुझे इजीली चीज़ें मिल जाए. सो लेट मी शो यू माई साड़ी. वंडरफुल साड़ी, वंडरफुल, बहुत ही प्रीमियम साड़ी है ये. ये मेरी वेडिंग में मैंने स्टाइल की थी और मैंने वेडिंग के टाइम ही इसको परचेस किया था. और साड़ी ने इतना अच्छा लुक दिया था मुझे, मतलब इतना अच्छा लुक लग रहा था मेरा खुद का, कि मैं खुद ही मतलब देख रही थी अपने आप को कि मैं ही हूँ ना. क्योंकि साड़ी का जो कलर, इसकी जो डिज़ाइन, डिटेलिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट. इसमें इतना अच्छा वर्क किया हुआ है कि साड़ी को स्टाइल करने से मेरा लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा. पूरी साड़ी में इस तरह से वर्क किया हुआ है और वर्क इतना अच्छा किया हुआ, इतनी अच्छी इसकी डिटेलिंग है कि थ्रेड डिटेलिंग है, तो थ्रेड डिटेलिंग और हैंड डिटेलिंग है तो बहुत ही सुंदर लग रही है. बहुत ही प्रीमियम लुक दिया है इस साड़ी ने मेरा. और इसके कलर की बात करें तो कलर भी इतना अच्छा है, इतना क्लासी कलर लग रहा है ये. देखिए पूरी साड़ी में इस तरह से कलर है, इसमें इस तरह से गोल्डन टचअप भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से साड़ी का जो लुक है और ज़्यादा इन्हेंस होके आ रहा है. और मैंने इसका ब्लाउज भी बहुत ही यूनिक बनवाया था, मतलब बहुत ही इसका बहुत अच्छा इसका ब्लाउज था, जिसकी वजह से साड़ी पूरी बहुत ही अच्छी लग रही थी. मैंने साड़ी को बस अपनी वेडिंग में ही स्टाइल किया था, उसके बाद से मैंने अभी तक इसको स्टाइल नहीं किया, क्योंकि ये मेरी फेवरेट साड़ी में से एक है. तो आप टू बी ब्राइड है तो इस तरह की साड़ी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये साड़ी दिखने में बहुत ही लाइट वेट होती है, बट ये साड़ी जो होती है बहुत ही यूनिक आपका लुक देती है. बहुत ही इसके साथ आपका जो लुक है बहुत इन्हेंस होकर आता है. आप बहुत ज़्यादा हेवी, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट जाएगा, क्योंकि इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं आप बार बार उनको स्टाइल नहीं कर सकते और वो आउट ऑफ ट्रेंड भी हो जाती हैं. बट ये साड़ियाँ जो होती हैं सिल्क बनारसी जो साड़ियाँ होती हैं वो हमेशा ट्रेंड में रहती हैं और कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती. और जब भी आप इनको स्टाइल करते हैं आपका लुक जो है बिल्कुल यूनिक लुक लगता है. मूविंग टू द नेक्स्ट, जो कि ये येल्लो विथ गोल्डन टचअप साड़ी है, भी बहुत अच्छी साड़ी है, प्योर सिल्क की साड़ी है. इसमें भी जो इस तरह से कुछ डिज़ाइन दी हुई है जो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही प्रीमियम लुक देती है ये साड़ियाँ. ये देखिए इस तरह से इसकी बॉर्डर है. जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं उनमें मोस्टली ऐसी ही बॉर्डर आती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है. जब आप इनको फ्री पल्लू में या फिर प्लेट्स बना के स्टाइल करते हैं तो इनका लुक चार चांद लगा देती है. तो ये साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और जब भी इन साड़ियों को स्टाइल करते हैं ना, ऐसा लगता है कि मतलब पहली बार ही स्टाइल की. जितनी बार भी स्टाइल कर लो मतलब मन ही नहीं भरता इन साड़ियों से. और ये इतनी अच्छी साड़ियाँ, और मैं इन सब साड़ियों को बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है ये साड़ियाँ. मैं इनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ताकि मेरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो. और जब भी मैं इनको स्टाइल करूँ मुझे ये यूनिक पीस ही लगे और बिल्कुल न्यू लगे.
तो आप इस तरह के साड़ियों में इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। ये साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है और ये जो येलो रेड इस तरह के जो कलर होते हैं वो इस तरह के पूजा में बहुत ही अच्छा मानते हैं, बहुत शुभ मानते हैं ये कलर को। तो इस तरह का कलर अगर पूजा के लिए बैठेंगे इनको पहन के तो आपका जो मतलब जो आउटफिट जो रहेगा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और बहुत ही अच्छा भी लगेगा। तो इस तरह की साड़ियों में भी आप जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगेन आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू सिल्क साड़ी। इसका ये साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये भी देखिए इसका भी जो बॉर्डर है कुछ इस तरह से है और इतना अच्छी इसकी डिटेलिंग है, फिनिशिंग है, इतनी सुंदर लग रही है ये साड़ी भी। जब भी इन साड़ियों को देखते हैं, स्टाइल करते हैं तो बहुत ही मतलब अपना जो लुक है बहुत इन्हेंस होके आता है बहुत ही ज़्यादा। तो ये साड़ी भी पूरी इस तरह से, पूरी साड़ी में इस तरह से चौड़ी बॉर्डर है और इस तरह से पूरे साड़ी में भी वर्क किया हुआ है और साड़ी के इस तरह से टेसल्स भी है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। ये साड़ियाँ जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं मोस्टली साड़ियों में इस तरह से टेसल्स रहते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है साड़ी, कितनी सुंदर लग रही है। और इन साड़ियों में सबसे अच्छी बात है कलर बहुत अच्छे आते हैं और जो आप कोई भी कलर ले लो आपके ऊपर ये साड़ी अच्छी ही लगेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट जो कि ये वाली साड़ी है, ये भी सिल्क की साड़ी है, प्योर सिल्क की साड़ी है और बहुत ही सुंदर साड़ी है। इसका भी कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल सुपर्ब है, मतलब फैंटास्टिक लगती है ये साड़ियाँ। इसमें इस तरह से रेड कलर में बॉर्डर दी हुई है इसकी, ये देखिए, और बिल्कुल लाइट पिंक है इसमें और इसमें इस तरह से गोल्डन कलर का इसमें थोड़ा सा टचअप दिया हुआ है जिसकी वजह से ये कितना शाइन कर रही है साड़ियाँ। ये साड़ी अगर मैं नाइट में स्टाइल करूँगी तो मेरा लुक कितना अच्छा लगेगा, ये देखिए बहुत ही सुंदर लगती है सिल्क की साड़ियाँ। और इनमें आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए क्योंकि सिल्क मतलब ऑलवेज ट्रेंड में रहता है। इस साड़ी के अंदर जो ऊपर की जो बॉर्डर है उसमें भी इस तरह से पूरी चौड़ी बॉर्डर बनी हुई है और नीचे भी इस तरह से बॉर्डर बनी हुई, पूरी साड़ी में वर्क किया हुआ है। प्लेन साड़ी बिल्कुल भी नहीं है ये, पूरी साड़ी मतलब बहुत ही रिच लुक दे रही है ये साड़ी, बहुत ही प्रीमियम लगेगी जब आप इसको स्टाइल करेंगे। तो मूविंग टू द नेक्स्ट जो कि ये बनारसी सिल्क साड़ी है और ये साड़ी भी क्रीम कलर की है, क्रीम ब्लू कलर में है ये साड़ी। और इसका भी मतलब क्या बताऊँ साड़ी के बारे में भी, बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिखने में साड़ियाँ बहुत सिंपल लग रही है बट ये जब मैंने इसको जब स्टाइल किया था तो मेरा जो लुक है बहुत ही प्रीमियम लुक दे रही थी ये साड़ी। ये साड़ी थोड़ी सी जो है बनारसी विथ सिल्क साड़ी है, थोड़ी सी फूली फूली रहती है, बाकी जो सारी साड़ियाँ हैं वो बॉडी से बिल्कुल चिपक के रहती है। तो आप टू बी ब्राइड है तो इस तरह की साड़ियों में इन्वेस्टमेंट कीजिए क्योंकि ये साड़ियाँ जो है बहुत ही अच्छा लुक देती हैं और कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती है। आप बहुत ज़्यादा हेवी साड़ियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो साड़ियाँ जो है आप बार बार स्टाइल भी नहीं कर पाएंगे और वो साड़ियाँ आपके इतने अच्छा लुक भी नहीं देगी क्योंकि जो बहुत ही जो ट्रेंडी जो वर्क वाली साड़ियाँ होती है वो बहुत जल्दी आउट ऑफ फैशन हो जाती है। बट जो इस तरह की साड़ियाँ होती है ये आउट ऑफ फैशन नहीं होती, हमेशा फैशन में ही रहती है और जब भी आप इनको 4 साल 10 साल बाद भी आप इसको स्टाइल करेंगे तो ये हमेशा न्यू ही लगेगी क्योंकि साड़ियाँ जो है बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती हैं अगर आप इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो ये साड़ियाँ जो है इनमें से जो फर्स्ट वाली साड़ी जो मैंने दिखाई थी वो मेरी वेडिंग की साड़ी जो मैंने खुद अपने पसंद से ली थी, बाकी जो साड़ियाँ है वो मेरे पापा लेके आए हैं उनकी पसंद की साड़ियाँ है और वो जब भी साड़ी लाते हैं बहुत ही यूनिक पीस लेके आते हैं तो वो साड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत ही जल्दी इनके ब्लाउज कलेक्शन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ये वीडियो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस तरह की साड़ियों में इन्वेस्टमेंट करें और अपने लुक को जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।